Good morning. Good morning. It's a bright sunny day. Of course. I'm feeling good. Are you? Very good, very good. मैं भी. अरे थारा पैकअप है अभी बहुत जल्दी. राम का नाम ले. देखा? एक-एक करके सब senses निकल रहे हैं. फूंक निकल रही है, सीटियां निकल रही हैं, हवा सब कान-वान से धुएं. एक दिन प्राण पखेरु उड़ जाएंगे. इसी तरह फूंक में निकल जाएंगे प्राण. You mean प्राण? Mention not. अरे साथ साथ चल लो. हाँ पर गुलु कुछ. Excuse me madam, मुझे क्या पता? तो मैंने आपसे कब कही, कब पूछी कि भैया अंकल जी स्मगलिंग का माल कहाँ है? मुझे क्या पता? अरे तो किसने पूछी है? तुम्हें क्या पता? This man is mad यार. एक मिनट अंकल, मुझे सच में लगता है कि आपको पता नहीं है इसीलिए आप मैडम से ऐसे बात कर रहे हैं, वरना अगर आपको पता होता तो आप मैडम से ऐसे बात नहीं करते. लेकिन अब मेरी ड्यूटी है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बता दूं कि देखिए आप मैडम को गुस्सा दिलाइए मत, क्योंकि क्या है कि एक बार हमारी मैडम को गुस्सा आ गया ना तो वो एक नंबर की जुल्मी जीनत. मेरा मतलब है सन की सलमा, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे आप? गुस्सा? अरे गुस्सा तो मुझे आ रहा है भैया. लेकिन खैर छोड़ो, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या रोना रोना. क्या मैं कितनी चक्कर डालूं? अरे मुझे क्या पता. Well, two spoon is the, ताकि आए मुझे सुकून is the. Carry on. आंटी, आप यहाँ यो पूछने आई हैं कि चाय में शक्कर कितनी डाली जाए? अरे ना ना, लेकिन खैर छोड़ो, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या रोना रोना. चाय में कितनी शक्कर डालूं? अरे मुझे क्या पता. अरे खोटा सिक्का कौन है? हाँ मतलब कि फिरोज खान के डैनी डेंजोम्पा. अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है. अरे मैडम खोटे सिक्के में यही दोनों तो थे. खोटे सिक्के में वो दोनों थे, लेकिन इस चौकी के खोटे सिक्के तुम दोनों हो. काम काज के नाम पे जीरो हो. बिल्कुल मन ना लगता काम में. लेकिन चकल्लस अगर करनी हो तो फिर देखो, दे हैव गॉट टैलेंट. वेल व्हाट इज द नेम इज द, कानपुर में ट्रैफिक जैम इज द. अरे दादाजी मुझे क्या पता. क्या आपको अपना खुद का नाम भी पता नहीं? तो किसका नाम पता है, पड़ोसी का? नहीं नहीं, आप समझे नहीं. मुझे क्या पता मेरा तकिया कलाम है, बाकी कमल कुमार मेरा नाम है, मैं अतर्रा में रहता हूँ, मुझे क्या पता. अरे एक मिनट अंकल जी, अतर्रा में रहते हो कि बांदा में पड़े हो? चौकी में क्यों हो यो बोलो. मुझे क्या पता. ए जी तुम चुप रहो, मैं बता रही हूँ. मैडम बात ये कि हम दोनों यहाँ इसलिए आए. खैर छोड़ो, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या रोना रोना. क्या मैं कितनी चक्कर डालूं? मुझे क्या पता. Well, what is the problem is the, दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द. मुझे क्या पता. मैडम बात यह है कि हमारा एक बेटा है और उसका एक दोस्त है. अब दोस्त क्या है देखा जाए मैडम तो उम्र में 10-15 साल बड़ा ही होगा. अब मैडम वो क्या है ना, बस स्टैंड, बांदा बस स्टैंड पे एक पान की दुकान है ना, वो दोनों के दोनों वहां खड़े रहते हैं. अब मैडम उसका दोस्त खुद तो कोई काम धंधा करता नहीं है और मेरे बेटे को बिगाड़ रहा है, मुझे क्या पता. तो आपका कहने का मतलब यो है कि आप अपने बेटे के दोस्त के खिलाफ FIR लिखाना मांग रहे हैं, जो दोस्त काफी निकम्मा है और आपके बेटे को भी अपने जैसा बना रहा है, बिगाड़ रहा है बेसिकली. हाँ मैडम, आप मेरे बेटे का पीछा छुड़ाइए उसके बदमाश दोस्त से. खैर जाने दो हमें क्या. जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या रोना रोना. चाय में कितनी चक्कर डालूं? मुझे क्या पता. अच्छा एक मिनट, मन्ने जरा ये बताइए कि किस तरह से बिगाड़ रहा है वो दोस्त तुम्हारे बेटे को, मतलब कैसी आदतें डलवा रहा है. अरे मुझे क्या पता. मेरा मतलब कहने का मैडम कि मेरे बेटे को उस दोस्त ने फिल्में दिखाना, पान सुपारी खिलाना, यहाँ तक कि पत्ते खेलना, आवारा गर्दी करना,
और यहाँ तक कि मैडम गर्ल्स कॉलेज के गेट पे खड़े रहना तक सिखा दिया है। अब चलिए, गर्ल्स कॉलेज के गेट की बात अलग है, अपने जमाने में तो हम भी खड़े हो जाते थे। मैं भी हाय पर थोड़ा बहुत ताक झांकी, आंखों की रोशनी बढ़ाई, फिर पढ़ाई पे ध्यान देने लगते थे। मुझे क्या पता। बुलवा जरा इनके साहबजादे ने और उसके दोस्त ने, देखें जरा हम भी उनकी जय बीरू की जोड़ी। आंटी को जरा चाय पिलाओ ना। मैं कॉफी पीऊं मैडम। तो कॉफी पिलवा दो, जहर पिएंगी? रेड किल। कॉफी में ही डाल देते हैं, मजाक करने की भी आदत है इनकी। जी हमें बुलाया। अपना ये अंकल जी का क्या नाम था? कमल कुमार। कमल कुमार का लौंडा है तू? हाँ हाँ हाँ, कमल कुमार मेरे डैडी हैं। और दुनिया कैरम है। सही कहा, दुनिया कैरम है। खेलने के लिए, जीतने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए, माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, माँ बाप का नाम खराब करने के लिए नहीं, अपने जो है फालतू ओवर एज जो है अधेड़ उम्र के दोस्तों के साथ पानों की दुकानों पे और गर्ल्स कॉलेज के गेटों पे डोलने के लिए नहीं। नाम बोल अपना, घुंघरालू। मैं श्रवण हूँ। ओ तुम श्रवण हो तो नदीम कहाँ है? सॉरी। वेल डूड्स, व्हाट इज द नेम इज द, मुझे चाहिए लप्पी लूथरा का प्रेम इज द। भाई इसका बढ़िया है, वैसे हो रहा है बुढ़ापे की खान, लेकिन समझ रहा है खुद को सलमान खान। बेस्ती हो गई, बेस्ती, बेस्ती हो गई। कैरी ऑन। हाँ, दोस्ती का नाम जिंदगी। थारा क्या नाम है? जी जी मेरा नाम है टिल्लन, टिल्लन रिछरिया। आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। कहाँ कर रहा है आईएएस की तैयारी? पान की दुकान पर खड़े रह के? दरअसल बात यह है मैडम कि मैं 9 साल पहले एमए कर चुका हूँ और अब पिछले 8 साल से आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। वैसे मैडम आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। तो कहाँ बुलाते, गेंदा गदरीली की महफिल में? मेरा मतलब है कि वो कन्या पाठशाला के गेट पे, जहाँ पर तुम लोग वो आवारा गर्दी करते हो। अरे देखिए, हम लोग आवारा गर्दी नहीं करते, आवारा गर्दी नहीं करते हम। दरअसल हम लोग घूम घूम के सामान्य ज्ञान अर्जित करते हैं, क्योंकि आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। चुप कर तू सरवण कुमार, सिर्फ नाम का हो रहा है तू सरवण कुमार, बाकी सारे गलत काम है थारे। माँ बाप का जीना मुश्किल कर रखा है तेने, दुखी कर दिया तेने माँ बाप को। ये जो गलत संगत है ना, इसे त्याग दे, वरना अपने माँ बाप का और खुद का फ्यूचर खराब कर लेगा एक दिन। मैडम मेरे माँ बाप से ना मेरी खुशी देखी नहीं जाती है, उनकी नजर में दुनिया लूडो है, लेकिन मेरी नजर में दुनिया कैरम है। और वैसे भी मैं एडल्ट हो गया हूँ। मैं 18 साल का हो गया हूँ, और अब मुझे कहाँ जाना है, कहाँ से कब आना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ आना है, कब जाना है, कब आना है, ये सब मैं डिसाइड करूंगा। क्योंकि दुनिया कैरम है। और मैडम आप इसे खुद पूछ के देख लीजिए कि क्या आज तक मैंने इसके साथ कभी जबरदस्ती की है कि भाई तुम मुझसे मिलने आओ, आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, बताना जरा। नहीं नहीं नहीं, कभी कभी भी नहीं, कभी नहीं। मैं अपनी मर्जी से टिल्लन रिछरिया रिछरिया जी के साथ मैं घूमता फिरता हूँ, रहता हूँ, मजे करता हूँ। और ये सब करने से ना तो मुझे मेरे माँ बाप रोक सकते हैं मैडम, और ना ही आप लोग। दुनिया कैरम है। कैरम की गोटियों की तरह जिंदगी बिखर ना जाए, इसलिए मैं तेने एक एडवाइस दे रही हूँ। माँ बाप का ध्यान रख, पढ़ाई में मन लगा। ये महिषासुर टाइप ओवर एज डबल एज राक्षस के साथ जो है आवारागर्दी, घूमना, लड़कियों को छेड़ना और पानों की दुकानों पर डोलना, ये सब बंद कर दे। गलत संगत त्याग दे, वरना एक दिन गलत संगत की वजह से भारी मुश्किल में फंसेगा तू। ओके मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एडवाइस।
टिलन भैया, वो गर्ल्स कॉलेज की छुट्टी होने का टाइम हो गया है। अच्छा, दुनिया कैरम है, चल के ज्ञान अर्जित करते हैं, क्योंकि आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। फॉलो मी। वेल मॉम, शी विल नॉट अंडर कंस्ट्रक्शन। अंडरस्टैंड? या दिस वन। मैडम मैं तो कहता हूँ इस जले हुए बाल वाले दोस्त को मैडम इसे सूदते मारते हैं थोड़ा, मैडम सब समझ जाएगा, मैडम फिर दोस्त को भी अकल आ जाएगी। सरमन कुमार अपने दोस्त को हीरो समझता, और अगर हमने टिल्लन की सुताई करी तो वो और बड़ा हीरो बन जाएगा और उसके माँ बाप बिलन। कोई और तिगड़म लड़ानी पड़ेगी। कोई फोन आया था हमारे लिए? नहीं मैडम, किसी के लिए कोई फोन नहीं आया, यहाँ फोन आते ही कहाँ है। हेलो, आप 2 घंटे से फोन कर रहे हैं, कोई उठा नहीं रहा था। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ना वो फाइल भिजवा दी है मैंने जी। हाँ ओके, अभी ठीक हुआ होगा मैडम ये। हेलो हेलो, गोपिन, गोपी ने फोन पटक दिया था। थोड़ी देर पहले तो डेड था जी ये। डेड तू होने वाला है बहुत जल्दी। थोड़ी देर पहले डेड था कमिश्नर साहब के ऑफिस से फोन आ रहा है, 2 घंटे से कहां मर रहे थे तुम दोनों, कितने बजे आए हो? ये तो 2 घंटे से यहीं बैठा है, ये अभी आया। अरे मुझे क्या पता, मैडम मैडम मैडम। अंकल आंटी फिर से आ गए, क्या हो गया? अरे मुझे क्या पता। इसी तुम चुप ही रहो, मैं बता रही हूँ। मैडम हुआ ये, खैर छोड़ो हमें क्या। अरे जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या रोना रोना। क्या मैं कितनी शक्कर डालूं? अरे मुझे क्या पता। Well, what is the matter is the? जल्दी खोलो letter is the. अरे दादाजी मुझे क्या पता। मैडम मैडम आपने मेरे बेटे को और उसके दोस्त को बुलाया था चौकी में, मुझे क्या पता। हाँ हमने बुलवाया था आपके लड़के को, उसका दोस्त भी आया था, हमने उससे बात करने की उसको समझाने की कोशिश करी, लेकिन उसका कहना यो है तुम्हारे बेटे का कि वो एडल्ट हो चुका है और वो वही करेगा जो उसकी मन है, उसकी मर्जी है। क्या एडल्ट? हे भगवान, देखा मैंने कितनी बार कही तुमसे कि एडल्ट फिल्में ना देखा करो। अब हो गया ना बेटा एडल्ट। खैर छोड़ो हमें क्या। अरे जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या रोना रोना। क्या मैं शक्कर कितनी डालूं? अरे मुझे क्या पता। एक मिनट ये अंकल, आपकी शक्ल देख के लग रहा है कि केस में कोई नया मोड़ आया है। Well... ना ना कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे मैडम मैडम अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि मेरा बेटा मेरी जेब से पैसे तक निकालने लगा है, मुझे क्या पता। वैसे मेरी बीवी भी मेरी जेब से पैसे निकाल लिया करती है, लेकिन कभी मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि एक तो ये एक्सपायर डेट हो गई है, ऊपर से इसका हक बनता है। चलो छोड़ो, लेकिन मेरा बेटा पैसे निकालने लगा, वो भी दोस्त के कहने पे, मुझे क्या पता। श्रवण ने आपके पैसे चुराए? मुझे क्या पता। मेरा मतलब मैडम पूरे 1,000 रुपए निकाल लिए उसने। मैडम ये तो मामला बिगड़ता जा रहा है मैडम, मतलब अपने ही घर में चोरी कर रहा है लड़का, मतलब पड़ोसी के घर में चोरी करे तो समझ में भी आता है। नहीं मतलब चोरी तो बुरी बात है, नहीं करनी चाहिए। इसका कुछ निवारण तो करना ही होगा, लेकिन उससे पहले गोपी वो जो अलमारी में हंटर रखा है ना उसको जरा तेल पिला और जरा गरम करके ला। आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही गबरू गबरीला टीन का टीला एड़िया आ रहा है।
तो टीले पे तैने जो है पहले मैं बाग के लिए लेके जाऊं, फिर वहां पे एज पे खड़े रह के तैने धकेल दूं, फिर देगा आइडिया। हाँ तो जरा कोने में तो आइए, मतलब सुनिए। इसके लिए मन्ने सर की जरूरत होगी। सर की जरूरत तो मैडम आपको सारी जिंदगी के लिए होगी। नहीं मैडम, मैंने कहा था मैडम 6 महीना, और अब उस 6 महीने में सिर्फ 5 महीने और कुछ दिन बाकी रह गए। What are you talking about, यार? मैडम 5 महीने कुछ दिन बाद आपको पता चल जाएगा। तू एकदम घुन्नी है, तू तेरे सब बेरा है, तू किचन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व्ड है, तू देवरानी है, तू सास है, हैं जिठानी, जेलेसी की मारी, तू जो है शरबत में घोलेगी जहर। मैडम पता लगेगा 5 महीने में मैं अंतर्यामी हूँ। अंकल आंटी चलिए, आप बैठिए कोने में बैठिए, चलिए। हजार का नोट देखा कभी? तुमने ये देखा? अरे नकली है वो। नकली है? इसके मुंह ही नहीं लगना चाहिए हमको। तूने कमाल कर दिया श्रवण, कमाल कर दिया। अपने पापा की जेब से तू ये 1000 का नोट मार के ले आया। मैंने पहली बार अपने पापा की जेब से पैसे निकाले ना, तो पता नहीं क्यों अंदर से मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा है, दुनिया कहरम है। अरे देख, अगर तू शराफत से अपने पापा से पैसे मांगता तो क्या वो तुझे देते? नहीं 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 ना, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। अब देख, वैसे भी जो कुछ भी उनका है वो सब तेरा है। अब तू अपना ही अगर पैसा उठा के ले आया तो इसमें गिल्ट फीलिंग काहे की? मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी हम लोग अच्छे खानदान से है ना? अच्छे खानदान के लोग ही तो ये सब करते हैं। बात करता है ये देखो। अरे वासुदेव, अरे भैया, अरे वाह, पैसे मिलते हैं क्या? चल के जाता है यूं ही नहीं। अरे ये बड़ा उछल उछल के जाते हैं वहाँ। एक पान तो खिलाओ भैया। हाँ हाँ, तुम्हारे दुकान पे कोई भी आए ना, उसको हमारे तरफ से पान खिलाओ। अरे ऐसा क्या हो गया है? सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिल गई। हम बताया आपको? सीक्रेट है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। एक लड़की है प्यारी सी, गोरी फिरंगी। हाँ। 50 कंट्री में बिजनेस चलता है उनका। हाँ, नाम है लैला। अच्छा? 1 रुपया दो 10 रुपए मिलते हैं, वो भी 2 दिन में। अरे क्या बात कर रहे हो? सही कह रहे हो भैया, प्रूफ तुम्हारे सामने। हमारे पास साइकिल थी। हाँ। 5000 रुपए वाली। हाँ। हमने वो दी। अच्छा? और एक्सचेंज में स्कूटर 50,000 रुपए वाले। इसको बताना नहीं भैया, कहना जमाना बड़ा खराब है। क्यों खाली बिल किसका फायदा करना, उनसे हमारा क्या होगा? बराबर ना। आप तो अपने आपको बता देते। अब नेकी करो, पूछ पूछ। चिटपुटियागंज है, मैं वो तिल्ली वाली गली है। हाँ पता है। उसके पीछे येलो बिल्डिंग है। येलो बिल्डिंग? येलो 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 बिल्डिंग, येलो येलो। ओए, उसी बिल्डिंग में उनका ऑफिस है। अच्छा, येलो। जाओ चले जाओ, 1 पान दो 10 पान लो। संभाल के भैया, किसी से कहना मत। नहीं, किसी से नहीं कहेंगे। नहीं, एक मिनट भैया, हम जाते जरा। धक्का लगा दे क्या? नहीं नहीं। अच्छा, अरे पेट्रोल खत्म हो गया होगा, स्कूटर दिया है फ्री में, पेट्रोल थोड़ी देते। अबे सुन रहा है तू? है 1, 2 तो 10 मिलते हैं। एक काम करते हैं श्रवण, ये 1000 रुपए जो तू अपने पापा की जेब से मार के लाया ना, ये जाके लैला मैडम के वहाँ लगा देते हैं, उनके बिजनेस में पूरे 10,000 मिलेंगे। मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ हाँ, और फिर जब 10,000 मिल जाएंगे ना, तो उसमें से 1000 रुपए लेके मैं अपने पापा की पैंट की जेब में वापस रख दूंगा। मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा, दुनिया कहरा में। चल चले, चलो चलो, आजा कटाक करते। ये बताना नहीं किसी को। ओए अमशांसी, तुम लोग यहाँ पर क्यों आते? क्योंकि तुम लोग हमारा मैडम लैला लजीज के बिजनेस में पैसा लगाना मांगती। क्योंकि हमारा मैडम लैला लजीज सबका पैसा को 10 गुना करती, 10 टाइम्स करती। yeah! और कौन कौन इंसान अपना पैसा 10 गुना नहीं कराना चाहती? 10 times. मैंने 1 लाख लगाया,
मुझे 10 लाख मिला। अब यही 10 लाख में लगाना चाहता हूँ, 1 रुपया भी कम नहीं। मुझे 20 लाख रुपए लगाने का है। सब लोग का पैसा लगाएगी, सबका पैसा लगाती, लेकिन सबसे पहले हमारा मैडम लैला लजीज को वेलकम करती, क्योंकि हमारा मैडम लैला लजीज आती। लैला लजीज, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.